गुड मॉर्निंग। अभी हम आज सीपीपी नंबर 42 जो कल आपने टेस्ट दिया था वो स्टार्ट कर रहे हैं डिस्कशन। और इस लेक्चर में पहले 15 सवाल और अगले लेक्चर में आखिरी 10 सवाल, 25 सवालों का वो पेपर था। जिस बच्चे ने टेस्ट नहीं दिया हो, मैं इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेस्ट भी लिंक कर रहा हूँ, तो आप ये वीडियो देखने से पहले आप अपना टेस्ट खुद ट्राई कर सकते हैं। उसमें आपका स्कोर आ जाएगा, आपने क्या स्कोर किया है क्या नहीं, एंड देन फिर आप ये अपना सोल्यूशन मेजर कर सकते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, देख सकते हैं। और दूसरी बात, टेस्ट की तरह नहीं देना, तो मैं सीपीपी भी उसके साथ लिंक कर रहा हूँ, तो आप एज एन असाइनमेंट भी उसे देख सकते हैं। तो एक बार वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नजर डाल लें नीचे क्या है क्या नहीं। तो देखिए सीपीपी नंबर 42 के पहले 15 सवाल हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ द अपेरेंट वेट ऑफ ए मैन स्टैंडिंग एट इक्वेटर अचीव द एक्चुअल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये अर्थ है इक्वेटर यहां कहीं है, ये कोई आदमी है, या एक्चुअल वैल्यू ऑफ ग्रेविटी तो है जी, अपेरेंट वेट मतलब जो उसे महसूस होगा और वो जीरो है। तो एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस कितनी है ये आपको बताना है। तो देखो इस पे क्या होगा, इसका एफबीडी बनाए तो एक तो एमजी लगेगा नीचे, आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, तो विद रेस्पेक्ट टू अर्थ इसको एक सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ महसूस होगा, विद रेस्पेक्ट टू अर्थ इसको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ महसूस होगा, दैट विल बी एम ओमेगा स्क्वायर आर, और मान लो इस पे नॉर्मल रिएक्शन है एन, तो विद रेस्पेक्ट टू अर्थ तो रेस्ट पे है, तो आप फोर्स बैलेंस करेंगे तो एन प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू एम जी, और यू कैन से एन इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर। और हम जानते हैं कि जो नॉर्मल होता है वही अपेरेंट वेट होता है, वेइंग मशीन पे यही हमें दिखता है। तो ये कहता है कि अपेरेंट वेट इज जीरो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एन जीरो है, इट मीन्स एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर इज जीरो, एम से हट जाएगा तो जी बराबर ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई आर, एंड यू कैन सी ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी वाई आर, ऑप्शन नंबर ए। पहले का आपका आंसर आया ऑप्शन ए। कंप्रीहेंशन फॉर नेक्स्ट थ्री क्वेश्चंस, इसके बाद कंप्रीहेंशन फॉर नेक्स्ट थ्री क्वेश्चंस ये हम देखते हैं सेकंड टू फोर्थ। अ पार्टिकल ऑफ मास एम इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ सीलिंग थ्रू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, छत है एल लेंथ की एक रस्सी से इसको लटकाया गया है पार्टिकल को, तो पार्टिकल मूव्स इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस आर, तो ये एक तरह से वो कॉनिकल पेंडुलम जो हमने पढ़ा था वो अरेंजमेंट बना हुआ है। ये पार्टिकल यूं घूम रहा है, लेंथ इसकी एल है, एंगल नहीं दिया हमें, सपोज ये एंगल थीटा है, एंगल दिया नहीं है, वैसे एंगल नहीं दिया कोई बात नहीं, आपको ये रेडियस दे दिया, इसकी जरूरत पड़े तो ये हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, थीटा की जरूरत पड़े तो यहीं से साइन कोसाइन आ गए। तो सबसे पहले पूछता है द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज, तो देखो जैसे भी ये पार्टिकल घूम रहा है, यहां घूम रहा है ये टेंशन, ये एम जी, सपोज ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा, तो टी का ये वाला जो कंपोनेंट होगा इट इज कमिंग आउट टू बी टी कोस थीटा, एंड टी का आगे की तरफ जो कंपोनेंट होगा इट इज कमिंग आउट टू बी टी साइन थीटा। वर्टिकली तो चल नहीं रहे, फोर्स बैलेंस्ड है, वर्टिकली तो चल ही नहीं रहे, तो टी कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी। हॉरिजॉन्टली उसमें एक सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है जो होती है वी स्क्वायर बाई आर, तो हॉरिजॉन्टली आपने न्यूटन लॉ लगाया तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम इन टू वी स्क्वायर बाई स्मॉल आर। इक्वेशन नंबर टू, टेंशन नहीं निकालनी मुझे, स्पीड निकालनी, सेकेंड पार्ट में स्पीड निकालनी, तब क्या करो सेकंड से फर्स्ट को डिवाइड कर दो, साइन अपॉन कोस बनेगा टेन थीटा, टी से टी कट गया, एम से एम भी कट गया, और ये बनेगा वी स्क्वायर बाई आर जी। और हमने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब भी कभी आप कॉनिकल पेंडुलम पढ़े तो स्पीड का सीधा फॉर्मूला याद रखें अंडर रूट आर जी टेन थीटा। ये जब आप ये फॉर्मूला कई बार आता है, आप अगर ग्राउंड पे सॉरी बैंक रोड पे टर्न कर रहे हो तो ऑप्टिमम स्पीड है अंडर रूट आर जी टेन थीटा, यहां पे कॉनिकल पेंडुलम के घूमने की स्पीड है पार्टिकल की, तो स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज, बस ये पूछा है, तो टेन थीटा निकाल लो ट्रिग्नोमेट्री से, यहां से टेन थीटा
इससे अगर मैं देखूं तो टेन थीटा होगा आर अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। जब आप उसमें पुट करोगे तो स्पीड होगी अंडर रूट ऑफ आर जी इंटू आर अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब देखो आर और आर आर स्क्वायर बनके आर बाहर आया, एक अंडर रूट जी बन गया और एक ये बच गया पूरे की पावर 1/4। अब पूरे की पावर 1/4 क्योंकि रूट का रूट आप ऐसे भी लिख सकते हो या 4 लगा के या पावर ब्रैकेट लगा के 1/4, तो ये आपका ऑप्शन ही आ गया बी। द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, इन्हीं दो इक्वेशन से टेंशन आएगी आप, या दो की भी क्या जरूरत है, एक से आ जाएगी टेंशन। टी कोस थीटा बराबर एम जी, अगर थीटा ना पता होता तो स्क्वायर करके ऐड करते, अभी तो डायरेक्ट ही आ रहा है एम जी अपॉन कोस थीटा। कोस थीटा कितना होगा, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एम जी इंटू अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल, एम जी इंटू सॉरी अपॉन कोस थीटा है, अपॉन कोस थीटा तो उल्टा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एल अपॉन कोस थीटा, ये आपका ऑप्शन आ गया बी। और इस कंप्रिहेंशन का आखिरी सवाल, टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन इज, तो देखो टाइम पीरियड जब भी निकालना हो, क्योंकि एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है 2πr मतलब कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो 2πr अपॉन वी ये इसका टाइम पीरियड आया। सो टाइम पीरियड इज कमिंग आउट टू बी 2πr अपॉन वी, ये सिंपल फॉर्मूला लगाना था, वी था रूट आर जी टेन थीटा लेकिन थीटा नहीं दिया, तो इनकी टर्म्स में यहां पुट किया आर इंटू अंडर रूट जी और ये ऊपर गया एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की पावर 1/4, आर से आर कैंसिल हो गया तो टाइम पीरियड आ गया 2π/√g और ये पावर 1/4 को आप ऐसे लिख सकते हो यहां 4 लगा के एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। कॉनिकल पेंडुलम में दो तीन बातें सीधी याद रखें कि स्पीड होती है अंडर रूट आर जी टेन थीटा, थीटा होता है स्ट्रिंग का वर्टिकल से एंगल, टाइम पीरियड होता है 2πr अपॉन वी। टेंशन निकालनी हो उससे भी निकाल सकते हो स्क्वायर करके ऐड करके भी, अगर थीटा ना पता हो तो, थीटा पता हो तो डायरेक्ट पहले इक्वेशन से आ गए। तो ये कंप्रिहेंशन में क्या होता है यार, आसान होता है कंप्रिहेंशन, एक सवाल आपसे हो जाए तो लाइन से सारे होने लगते हैं। तो ये आपका हो गया सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट उसके बाद हम देखते हैं अगला जो सवाल है, शायद एचसी का सोल्ड एग्जांपल था शायद, जिस तरह का मुझे लग रहा है। इन अ रोटर, और ये करवाया हुआ पहले, होलो वर्टिकल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस। एक होलो वर्टिकल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, ये उसका बेस है और ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। ये अपने एक्सिस के अबाउट घूमे जा रहे हैं। पर्सन रेस्ट अगेंस्ट द इनर वॉल, अंदर की तरफ एक आदमी इसके सहारे खड़ा है। एट अ पर्टिकुलर स्पीड ऑफ द रोटर, रोटर की स्पीड आप बढ़ाते जा रहे हो, द फ्लोर बिलो द पर्सन इज रिमूव्ड। भाई बहुत तेज घूमेगा तो फ्लोर के कॉन्टेक्ट हट जाएंगे और फ्लोर भाग जाएगा, फ्लोर हट गया। एंड द पर्सन हैंग्स रेस्टिंग अगेंस्ट द वॉल विदाउट एनी फ्लोर। अब फ्लोर हट गया एक पर्टिकुलर स्पीड पर, अब भी वो आदमी यहां रुका हुआ है, अब भी वो आदमी यहां रुका हुआ है। द रेडियस ऑफ द रोटर इज 2 meter एंड द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल एंड द पर्सन इज 0.2। यहां पे जो म्यू एस है दैट इज 0.2। तो ये पूछता है मिनिमम एंगुलर स्पीड एंड कोरस्पोंडिंग स्पीड ऑफ द सिलेंडर एट विच द फ्लोर इज रिमूव्ड। पहले एंगुलर स्पीड निकालते हैं। सपोज ये ओमेगा से घूम रहे हैं, अगर ये ओमेगा से घूम रहा है तो मैं आदमी का एफबीडी बनाऊं, आदमी पे एम जी नीचे, उसको रोकने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन ऊपर क्योंकि रुका हुआ है, जो वॉल ने लगाया हुआ, नॉर्मल रिएक्शन इधर बस, और क्योंकि ये घूमे जा रहा है तो इसमें एक एक्सेलरेशन होगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दैट विल बी ओमेगा स्क्वायर इनटू आर। तो आपने इक्वेशन लगाई एन इज इक्वल टू एम इनटू ओमेगा स्क्वायर आर, ये तो हॉरिजॉन्टली, एंड एफ एस इज इक्वल टू एम जी वर्टिकली, एन से निकाल लो एफ एल म्यू इनटू एन, तो म्यू एस इनटू एन एम ओमेगा स्क्वायर आर। एफ एल और एफ एस में कंडीशन लगा दो, एफ एस इज लेस देन और इक्वल टू एफ एल, तो एफ एस की जगह तो आपका आया एम जी लेस देन और इक्वल टू एफ एल,
म्यू एस इंटू एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम से एम कैंसिल, जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर आर इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस, और यू कैन से म्यू एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर आर। क्या पूछा इन्होंने, ओमेगा पूछा म्यू पूछा, म्यू तो दे रखा था, म्यू तो दे रखा था, यहां से मुझे ओमेगा निकालना है, तो ये आया जी बाई आर, जी बाई म्यू आर इज लेस देन और इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, और यू कैन से ओमेगा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी अपॉन म्यू एस इंटू आर। ओमेगा या तो इतना हो या इससे बड़ा हो, तो ये मिनिमम वैल्यू आ गई, तो मुझे ओमेगा मिनिमम मिल चुका है, और ओमेगा मिनिमम आया अंडर रूट ऑफ जी अपॉन म्यू एस इंटू आर, अंडर रूट ऑफ जी अपॉन म्यू एस इंटू आर, ये है। अब अगर मैं इसमें वैल्यूज पुट करूं, न्यूमेरिकल वैल्यूज, तो जी 10, म्यू एस आपका दिया है 0.2 एंड रेडियस इज 2, 0.2 ऊपर 100/4 अंडर रूट 25 यानी कि 5, और ऐसा यूनिट में होगा रेडियन पर सेकेंड। अब स्पीड भी पूछिए, तो स्पीड ऑफ द रोटर वो बनेगी ओमेगा इंटू आर, तो ओमेगा 5 आ गया और आर 2 है, तो स्पीड होगी 10 मीटर पर सेकेंड, तो 5 रेडियन पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड, तो फिफ्थ का आंसर आ गया डी। ये आपके एचसीवी का सोल्ड एग्जांपल था ये वैसे। क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा इंपॉर्टेंट केस, पहले भी हम पूछ चुके हैं आपसे पिछले पेपर में भी, दोबारा इसीलिए पूछा कि ये जो इस तरह की ड्राइविंग होती है तो खतरनाक कि आप मोड पे स्पीड बढ़ा रहे हो, परंतु सवाल इस पे बहुत आ जाते हैं, क्योंकि लेवल रोड पे जो भी कोई एक्सेलरेशन होगी खाली फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा। अब ये लिखता है अ बॉडी मूव्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस आर विद टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए टी, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो बताओ वी स्पीड पे स्लिप करना स्टार्ट कर गया। सबसे पहली बात, ये अगर सर्कुलर टर्न है तो यहां उसमें दो एक्सेलरेशन होगी, एक सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाई आर और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए टी, और जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, तो जो ए नेट बनेगा अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर। एफ नेट से एफ स्टेटिक निकाल लो, एफ स्टेटिक बराबर एम इंटू ए नेट, वर्टिकली देखोगे तो एन बराबर एम जी होगा, वहां से एफ एल निकाल लो म्यू एस इंटू एम जी, और एम देन सेम इक्वेशन लगा दो जो पहले की थी, और ये क्वेश्चन पिछले टेस्ट में भी था करवाए हुए। क्वेश्चन नंबर 7, द एरिया अंडर फोर्स पोजीशन कर्व गिव्स। अब देखो फोर्स और पोजीशन एफएक्स, एफएक्स ग्राफ का एरिया आपको क्या देता है, वो देगा इंटीग्रल एफ डी एस, इंटीग्रल एफ डी एक्स, ये देगा एरिया। अब ये तो वर्क होता है, एक्चुअली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन ये वर्क तभी देता है जब वन डायमेंशनली केस हो, मतलब जिधर फोर्स लग रहा उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो। इस क्वेश्चन में एक हमें अज्यूम करना पड़ता है कि थीटा 0 डिग्री है, एफ और एस के बीच का एंगल 0 डिग्री है, नहीं तो क्या मान लो फोर्स ऐसे लग रहा हो जो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हो, तो चाहे एरिया नॉन जीरो हो लेकिन वर्क जीरो होगा। परंतु इसमें जो ये इसलिए भी वो नहीं दिया मैंने क्वेश्चन में, जो बेस्ट सुटेबल आंसर है वो आपको छांटना था, वैसे तो ये वन डायमेंशनल होना चाहिए, मीन्स फोर्स डिस्प्लेसमेंट के हमेशा परपेंडिकुलर हमेशा अलोंग रहे। तो अब देखो एरिया अंडर फोर्स पोजिशन कर्व, चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन लीनियर मोमेंटम वर्क डन, तो आंसर आ गया वर्क, या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता वो भी सही होता, क्योंकि वर्क ही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। अच्छा इसमें फिर से वही बात है, हमने करवाए भी ऐसे सवाल, अगर कुछ ऐसा ग्राफ आए यहां तक पूछ लिया जाए, ऊपर वाला वर्क पॉजिटिव लेना और नीचे वाला वर्क नेगेटिव, और फिर उनको जो भी ऊपर से नीचे वाला घट जाएगा, ये टोटल वर्क आएगा। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, आठवां सवाल देखे, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ए बी विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी, एक ऑब्जेक्ट है इस लाइन के अलोंग चल रहा है विद सम कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी, इट इज व्यूड बाय एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग साइडवेज, साइड में कहीं कोई आदमी खड़ा है वो उसको देख रहे हैं, द एंगुलर स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, कब एंगुलर स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ये आपका है ऑब्जर्वर,
ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की एंगुलर स्पीड आपको बतानी है, कब बतानी है, व्हेन द सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर इज आर, जब ये सेपरेशन तो आपका है आर, एंड द लाइन जॉइनिंग देम मेक्स एन एंगल थीटा विद द लाइन ए बी, और इस लाइन ने ए बी लाइन के साथ एंगल बना रखा है थीटा, तो इस समय आपको बताना है। तो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालते हो मैंने सिखाया था, और ये तो बड़ा आसान केस है क्योंकि ये ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, स्टैंडिंग ऑब्जर्वर रेस्ट पे, जब तो बड़ा आसान केस है, नहीं तो हमने सीखा था कि आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाइन ज्वाइन कीजिए, दोनों की वेलोसिटी का कंपोनेंट कीजिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एक अलोंग द लाइन हो गया एक परपेंडिकुलर, अलोंग द लाइन तो होगा वी कोस थीटा, परपेंडिकुलर टू द लाइन होगा वी साइन थीटा, ये रेस्ट पे तो इसके कंपोनेंट है ही नहीं। अगर मुझसे पूछा जाता वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन तो वो सिंपली आता वी कोस थीटा, अगर हमसे पूछा गया ओमेगा रिलेटिव तो आपको याद होना चाहिए वी परपेंडिकुलर अपॉन रेडियस, ये था, तो वी परपेंडिकुलर है वी साइन थीटा और उससे जो दूरी बनेगी रेडियस वो है आर, यानी कि ये इस आदमी को घूमता नजर आएगा, ये इस आदमी को यूं घूमता नजर आएगा इतनी एंगुलर वेलोसिटी से। अब इसमें एक ऑप्शन जीरो भी दिया था क्योंकि बहुत से बच्चे सोचते हैं कि स्ट्रेट लाइन पे चल रहे तो एंगुलर वेलोसिटी होगी, वो ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। अब ध्यान करो रिलेटिव एंगुलर स्पीड जब पढ़ाए तो उसमें चीजें आई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नाइन्थ भी एक एचसीवी का सोल्ड एग्जांपल है, देखते हैं फिर भी हम ध्यान से। A hemispherical ball of radius r is set rotating about its axis of symmetry which is kept vertical. ये बाउल है, इसका पूरा रेडियस r है, ये इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री और वर्टिकल, और इसके अबाउट ये घुमाया जा रहा है। A small block kept in the ball rotates with the ball without slipping on its surface. इसके ऊपर कहीं कोई ब्लॉक रखा गया है और वो रोटेट कर रहा है विदाउट स्लिपिंग, वो स्लिप नहीं हो रहा है, एम मास मान लो, लेकिन सरफेस ऑफ द बॉल इज स्मूथ, दिस इज इक्वलेंट टू कि बैंक्ड रोड है लेकिन स्मूथ है, उसमें एक ही स्पीड होती थी अंडर रूट आर जी टेन थीटा, मतलब उनसे रिलेट किया करो इनको। तो ये पूछता है द सरफेस ऑफ द बॉल इज स्मूथ एंड द एंगल मेड बाय द रेडियस थ्रू द ब्लॉक विद द वर्टिकल इज थीटा, एंगल मेड बाय द रेडियस थ्रू द ब्लॉक, ये रेडियस थ्रू द ब्लॉक है विद द वर्टिकल, दिस एंगल इज थीटा, द एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉल इज, तो आपको ये बताना है कि ओमेगा कितना होगा। देखो मैंने पहले भी बताया इसको आप एक रोड की तरह देखा करो, जैसे बैंक रोड होता है ऐसे, ये एंगल ढूंढ लाओ पहले, तो कहीं से कैसे लाएंगे, ये 90 ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा क्योंकि रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर, ये 90, अच्छा ये दोनों पैरेलल, तो ये थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, अगर ये थीटा है तो हमें मिल गया कि भाई ये एंगल थीटा है आपका। अब यहां जो स्पीड होगी अगर ये बिना स्लिप किए चल रहा है तो दिस इज अंडर रूट आर, आर मतलब इसका रेडियस, इसका जो रेडियस होगा वो, ये मान लो स्मॉल आर, तो अंडर रूट आर इंटू जी इंटू टेन थीटा। आप न्यूटन स्लो से भी कर सकते हो, मैं तो डायरेक्ट रिजल्ट अप्लाई करवा रहा हूं यहां पे, कि जो आपने रोड पे गाड़ी के चलने वाले रिजल्ट है वो आप सीधा कैसे अप्लाई कर सकते हो वो हम देखते हैं। अंडर रूट ऑफ आर, ये आर है, ये साइड तो है आर कोस थीटा, इतनी लेंथ तो है आर कोस थीटा, और ये बनेगी आर साइन थीटा, इंटू जी इंटू टेन थीटा को भी आप लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब इसमें क्या पूछा है उन्होंने, एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन पूछी है, एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन, तो देखिए एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन आपको बतानी है ओमेगा, ओमेगा बराबर वी बाई आर, ओमेगा जो बनेगा दैट विल बी इक्वल टू वी बाई आर, जो इसका रेडियस है वो, तो वी अपॉन आर, चलो मैं ऊपर वाला ही यूज कर देता हूं, अंडर रूट आर जी टेन थीटा अपॉन आर, ये आर स्क्वायर वन के अंदर जाएगा तो अंडर रूट ऑफ जी बाई आर हो जाएगा, और टेन थीटा आपका है साइन थीटा बाई कोस थीटा। जब आप स्मॉल आर की वैल्यू रखोगे कैपिटल आर साइन थीटा, कैपिटल आर साइन थीटा रखते ही साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा और ये आ गया अंडर रूट जी अपॉन आर इंटू कोस थीटा, ये तो है डायरेक्ट रिजल्ट, और नहीं तो भाई न्यूटन्स लॉ लगाते, नॉर्मल इधर mg इधर
नॉर्मल इधर और तो कोई फोर्स ही नहीं है, और एक्सेलरेशन इधर ओमेगा स्क्वायर स्मॉल आर। तो एन का एक कंपोनेंट ऊपर होता, ये थीटा एंगल है, ऊपर वाला कंपोनेंट होता है एन कोस थीटा, उसका काम होता है एम जी को बैलेंस करना। एक कंपोनेंट एन का होता सेंटर की तरफ, उसका काम होता है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करना, एम ओमेगा स्क्वायर आर। आप इससे ऊपर वाले को डिवाइड कर दो तो ये बन जाता टेन थीटा बराबर एम से एम कैंसिल ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी, और यहां से ओमेगा आ जाता जी टेन थीटा बाई आर का अंडर रूट। जब आप पुट करते वैल्यू सेम यही बनता, और कैपिटल आर साइन थीटा, साइन से साइन गया और वही आंसर आ जाता। अच्छा ये क्वेश्चन इससे ज्यादा आसान है उधर की बजाय, लेकिन फिर भी मैं उस पर क्यों गया, अभी तो ये स्मूथ था, अगर क्वेश्चन आ जाए रफ सरफेस वाला तो उसमें लिमिट होती है, तो फिर वहां से देखोगे तो लिमिट जल्दी निकलेंगी, यहां से टाइम वेस्ट होगा, टाइम लगेगा, वेस्ट तो क्या होगा टाइम लग जाएगा। अब कई बार क्या होता है सवाल में जैसे थीटा डायरेक्ट नहीं दे रखा, जैसे इस क्वेश्चन में तो थीटा डायरेक्टली गिवन है, तो आपको कुछ ना कुछ और पैरामीटर्स दे रखे होंगे जहां से आप थीटा निकाल सकते हैं। जैसे मान लो थीटा की जरूरत पड़े, आपको ये लेंथ दे दी जाए ए, ये लेंथ दे दी जाए या फिर रेडियस दे दिया जाए, अच्छा रेडियस नहीं दिया तो ये लेंथ दे दी जाए सी, तो ए प्लस सी आर हो जाएगा। तो मतलब ऐसी कोई भी काम किया जा सकता है क्वेश्चन में कि आपको डायरेक्ट थीटा ना देके वैसी वैल्यूज देगा कि ज्योमेट्री का आपको यूज करना। हमने जब एचसीवी डिस्कस की तो ये सारे काम देखे वहां पे। ये आपको हो गया क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर 10th 10वें सवाल पे हम आते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन, भाई कांस्टेंट फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है और उसका वर्क का डायरेक्ट फॉर्मूला है इंटीग्रल का कोई जरूरत नहीं, एफ डॉट एस, वेयर एस वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। तो ये बात आप याद रखें, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरमीडिएट पोजीशंस, बाकी सब पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन आप अगर इसको देखोगे एफ पे भी डिपेंड कर रहा है, पोजीशंस पे भी डिपेंड कर रहा है, इनके बीच के एंगल पे भी डिपेंड करेगा, डॉट प्रोडक्ट है, परंतु बीच की पोजीशंस पे डिपेंड नहीं करेगा। अब पहचाने कैसे कि फोर्स कांस्टेंट है कि नहीं, क्वेश्चन में आई कैप जे कैप के कैप दे रखा हो तो तीनों कंपोनेंट्स में ना नंबर होने चाहिए, कोई एक्स वाई जेड या टी नहीं होना चाहिए, कोई एक्स वाई जेड नहीं होना चाहिए, मतलब इस तरह की कोई चीज ना हो एक्स वाई जेड। तो आई कैप जे कैप के कैप तीनों कंपोनेंट फोर्स के कांस्टेंट हो, उसके बाद चाहिए उसको कहीं से घुमा के कहीं ले जाओ, यहां ले गए फिर यहां ले गए फिर यहां ले गए फिर यहां ले, मुझे कोई मतलब नहीं, अगर कांस्टेंट फोर्स है तो मुझे इससे मतलब है और इससे मतलब है, ठीक है। आसान सवाल था ये, क्वेश्चन नंबर 11th और 12th भी आसान थे, आपको बस देखना था कि किस तरीके से हम विजुलाइज करें अपने फॉर्मूलों को। हमारी जो लिमिट थी मैक्सिमम सेफ लिमिट वी यहां थी अंडर रूट आर जी टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन वन माइनस म्यू एस टेन थीटा, और यहां थी अंडर रूट आर जी टेन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन वन प्लस म्यू एस टेन थीटा। अब इस सवाल में म्यू एस नहीं दिया लेकिन एंगल ऑफ रिपोज दे दिया अल्फा, तो हम जानते हैं कि एंगल ऑफ रिपोज अल्फा वो होता है टेन इनवर्स ऑफ म्यू एस, एंगल ऑफ रिपोज अल्फा इज टेन इनवर्स ऑफ म्यू एस, और यू कैन से टेन अल्फा जो होगा That will be equal to μs. तो जहां जहां μs है उसकी जगह tan alpha रख दो। तो ये देखो ये क्या बना, इधर तो बन रहा है अंडर रूट आर जी टेन थीटा माइनस टेन अल्फा अपॉन वन प्लस टेन अल्फा टेन थीटा या टेन थीटा टेन अल्फा, और यहां बनेगा अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा प्लस टेन अल्फा 1 माइनस टेन थीटा टेन अल्फा। अब आप ट्रिग्नोमेट्री से फॉर्मूले जानते हैं, दिस इज टेन ऑफ थीटा प्लस अल्फा एंड दिस इज टेन ऑफ थीटा माइनस अल्फा, तो ये आपका लिमिट कन्वर्ट होगी अंडर रूट आर जी इंटू टेन ऑफ थीटा माइनस अल्फा
से लेके अंडर रूट आर जी इंटू टेंजेंट ऑफ थीटा प्लस अल्फा, तो इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ रिपोजिएज, और लोअर लिमिट तब वैलिड है जब थीटा बड़ा हो अल्फा से, नहीं तो आराम से गाड़ी रुकी रह सकती। तो ये दोनों सवाल 11 12th इन्हीं पे बेस्ड थे। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं अब क्या होगा। The kinetic energy of a body of mass 2 kg and linear momentum, भाई हमने एक रिलेशन पढ़ा था, kinetic energy is equal to p square by 2m, तो p 2 न्यूटन सेकंड SI यूनिट में है, by 2 times mass भी 2, तो ये सब कुछ कट के आ गया 1 और यूनिट होगी इसकी जूल। बड़ा आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर 14th हम देखते हैं। अल्फा डिके ऑफ ए स्टेशनरी पेरेंट न्यूक्लियस प्रोड्यूसेस अ डॉटर न्यूक्लियस ऑफ मास 196 यूनिट, ये अल्फा पार्टिकल सॉरी स्टेशनरी न्यूक्लियस था एक्स, यानी कि पी इनिशियल था 0। अब इससे क्या हुआ, एक डॉटर न्यूक्लियस बना जिसका मास 196 यूनिट, यूनिट ये एएमयू होती जो हमें जानने की जरूरत नहीं। एक तो डॉटर न्यूक्लियस बना MY 196 है और अल्फा पार्टिकल का मास होता ही 4 यूनिट है। इधर टोटल एनर्जी रिलीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, जो भी टोटल एनर्जी आई इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी के रूप में, वो आपको मिली है 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सपोज इसका मोमेंटम पी वाई, इसका पी अल्फा, तो पी फाइनल भी 0 होने का मतलब है कि पी वाई और पी अल्फा मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होंगे, तभी कैंसिल होंगे। तो इन्होंने पूछा काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस क्या होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी अगर टोटल एनर्जी रिलीज हुई है 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, दिस इज 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट चल रही यूनिट। और हम एक चीज और भी जान चुके थे कि काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर बाई 2m है और दोनों का पी सेम है, पी वाई और पी अल्फा सेम है, तो पी स्क्वायर बाई 2m कॉन्स्टेंट की तरह बिहेव करेगा 1/m। तो हमने पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, इट मींस के ई वाई इज टू के ई अल्फा, दिस इज इनवर्स रेशियो 4:196। तो आप क्या करोगे, कैसे करते हो रेशियो डिवाइड, लेट के ई वाई बी 4x, लेट के ई अल्फा बी 196x, इन दोनों का सम करेंगे तो वो आएगा 5 200, तो x आ गया 5/200। इसको वापस पुट कर दो तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस आ गई 4 × 5/200, 20/20 × 10, 1/10 यानी कि 0.1 जूल। इसका मतलब देखो 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से ये तो केवल 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके गया है और 4.9 ये लेके चला गया, क्योंकि ये हल्का है और काइनेटिक एनर्जी इस केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी एम के। के ई वाई इज टू के ई अल्फा बराबर एम अल्फा इज टू एम वाई, इनवर्स रेशियो। तो ये मैकेनिक्स ऑफ अल्फा डीके, जो 12th में हम अल्फा डीके पढ़ते हैं लेकिन वो काम तो यहीं से स्टार्ट हो जाता है। 15th, अभी इस लेक्चर में मैं ये लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, दूसरा पेज ये सीबीपी नंबर 42 के पहले दो पेज हो गए, तीसरा और चौथा फिर अगले लेक्चर में। इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, देन द न्यू मोमेंटम विल बी मोर देन इट्स इनिशियल मोमेंटम बाई, कितने परसेंट ज्यादा हो गया है अगर काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो गई है। देखो बड़ा सीधा तरीका, बहुत सीधा तरीका, काइनेटिक एनर्जी 4 गुना होने का मतलब है स्पीड डबल। काइनेटिक एनर्जी 4 गुना मतलब स्पीड डबल, स्पीड डबल तो मोमेंटम डबल, और मोमेंटम डबल हो गया तो कितने परसेंट बढ़ गया, जितना था उतना ही और बढ़ गया। डबल होने का मतलब जितना था उतना ही और बढ़ गया, मतलब उसका पूरा पूरा 100% इंक्रीज हो गया। तो ये तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन हो गया। अगर लिखता काइनेटिक एनर्जी 2 टाइम्स तो वो फिर रूट 2 में चला जाता, फिर कैलकुलेशन होती थोड़ी बहुत, लेकिन 4 टाइम्स से तो बड़ा आसान हो गया। क्लियर, मुझे कोई पेन कॉपी यूज करने की ही जरूरत नहीं रही इसमें, और ये आपका हो गया। तो ये हमने पहले 15 सवाल कहे उस टेस्ट के जो इसके साथ लिंक है, सीपीपी एंड टेस्ट, और सीपीपी का फर्स्ट एंड सेकेंड पेज हो गया। थर्ड एंड फोर्थ पेज या आखिरी 10 सवाल हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ठीक है, थैंक यू।